हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम avinadi.in। आज हम अपनी बिहाइव बुक का थर्ड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है द लिटिल गर्ल। सो हियर, यहाँ पे जो छोटी सी बच्ची है उसकी स्टोरी बताई गई है कि वो कैसे अपने पापा से बहुत ज्यादा डरती थी, बट धीरे धीरे उसको रियलाइज हुआ एट द एंड कि उसके पापा इतने बुरे नहीं है और वो उनको समझने लगी। जैसे आजकल के टाइम में हमारे साथ भी होता है, जब हमारे पेरेंट्स हमें किसी चीज के लिए मना करते हैं या गुस्सा करते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़े बड़े होगे तो आपको रियलाइज होगा कि जिस चीज के लिए वो आपको डांटते थे, आप पे गुस्सा करते थे या जिस चीज के लिए आपको मना करते थे वो एक्चुअल में सही थी, तो आप धीरे धीरे उनको समझने लगते हो। ठीक है, सो स्टोरी बिगिन होती है, ये बच्ची बताती है कि वो अपने पापा से बहुत ज्यादा डरती है, उनके लिए उसके फादर ऐसे हैं जैसे कोई बहुत ही डरावनी सी फिगर है। तो वो बताती है हर रोज मॉर्निंग में जब वो ऑफिस जाने लगते हैं तो वो उसकी रूम में आते हैं, उसे गुड मॉर्निंग किस देते हैं और वो सिर्फ इतना ही बोलती है ओके गुड बाय पापा, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं बोलती। और जैसे जैसे उसके पापा के जैसे वो कैरेज में बैठ के जाने लगते तो जैसे जैसे पता चलता है हाँ वो निकल गए चले गए, तो वो बताते हैं कि उसको बहुत एक रिलीफ मिलता है कि पापा अब चले गए। और शाम को कहती है जैसे ही पापा ऑफिस से आते हैं तो सबसे पहले आवाज आती है जोर से, मेरा अखबार कहाँ है, मेरी चाय लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, आया नहीं न्यूज़पेपर अभी तक। तो वो बहुत डरी डरी सी पीछे छुपी छुपी सी रहती है। तो उसकी मामा ने कहा केजिया जाओ, केजिया उसका नेम है, तो केजिया जाओ पापा के शूज उतार के स्टैंड में रख दो। तो वो बहुत घबरा घबरा के पापा के पास आ रही होती है एंड जब तक वो पहुंचते हो देखते पापा ने स्पेक्स लगा लिया था, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और वो स्पेक्स को नीचे करके जिस तरह से उसको देखते थे वो बहुत ज्यादा डर जाती थी। वो बोलती थी उसे वो जो साइट है वो बहुत ज्यादा डरावनी लगती थी। उसके बाद फिर वो उनके पास जाती है तो वो पूछते हैं आज तुम्हारा दिन कैसे रहा, क्या तुम अच्छी बच्ची की तरह रही? तो जब वो आंसर देती है उन्हें वैसे बोलती है आई डोंट नो, तो वो मतलब हकला के ऐसे जवाब देती है, स्टैमर करती है। उसके पापा फिर गुस्सा करते हैं कि अगर तुम ऐसे स्टैमर करोगे तो तुम्हारी मम्मा को कहूंगा कि तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाए, ऐसे क्यों बोलती हो तुम। बट द थिंग इज कि वो सिर्फ अपनी पापा के सामने ऐसे बोलती थी, बाकी टाइम में वो सबसे बहुत ठीक से बात करती थी, अपने पापा से इतना डरती थी कि उनके सामने जाके उसके वर्ड्स नहीं निकलते थे इसलिए वो स्टैमर करती थी। फादर जो है पापा मम्मा को बोलते हैं कि ये जब भी आती है ऐसी डरी डरी सी, वो बोलते हैं ऐसी शक्ल लेके क्यों आते हैं जैसे ये अभी सुसाइड करने जा रही है, इसे कहा करो मेरे सामने ऐसी शक्ल बना के ना आया कर। तो वो फिर से वो डरी डरी सी फिर जाके अपने रूम में बैठ जाती है। एक बार संडे आफ्टरनून में उसकी जो दादी है वो मोस्टली हर संडे उसको बोलती है कि तुम जाओ लिविंग रूम में जाओ, मम्मा पापा के साथ बैठो और उनसे थोड़ी बातें करो। तो जब भी वो नीचे आती थी वो देखती थी मम्मा कुछ रीड कर रही है बुक और पापा आराम से सोफे पे लेटे हुए हैं, उन्होंने मुंह पे हैंकी रखा हुआ है और सबसे बढ़िया वाले कुशन पे उन्होंने अपना पैर रखा हुआ है, वो आराम से सो रहे हैं, उसे वहां पे उनके खराटों की आवाज है। तो वो आराम से जाके स्टूल पे बैठ जाती है और वेट करती है कि जब पापा उठेंगे कुछ कहेंगे तो बात करूंगी। और फिर उसके पापा उठते हैं, वो टाइम वाइम पूछते हैं कि क्या टाइम हो गया और फिर उसको जो वहां पे स्टूल पे केजिया बैठी थी तो उसको घूर के देखते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे क्या घूर रही हो मेरे को, तुम जब भी घूरती हो ऐसा लगता है कि तुम वो एक भूरे रंग की उल्लू हो जो ऐसे घूर रही हो। पर केजिया उस बात का कोई जवाब नहीं देती, उसे आदत हो गई कि हर संडे यही बात होती है, इसी तरह से बात होती है। फिर उसके बाद एक बार उसकी दादी ने बोला कि तुम्हारे फादर का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक तो तुम उनके लिए कुछ बनाओ। तो वो पहले सोचती है क्या बनाओ, तो फिर वो बोलती है तुम येलो सिल्क से एक पिन कुशन बनाओ, पिन कुशन होता है एक सॉफ्ट सा वो होता है उस पे आप पिंस वगैरह लगाते हो। तो वो खुश हो जाते कि हाँ हाँ मैं ये पापा के लिए बनाऊंगी। तो वो पहले अपना वो येलो वाला सिल्क लेती है एंड उसे तीन साइड से सिल देती है। अब उसको अंदर फिल करने के लिए कुछ स्टफ चाहिए ताकि वो अंदर क्या फिल करे जिससे वो कुशन बनाए। तो दादी उस टाइम थी नहीं तो वो सारा ढूंढने लगी, फिर ढूंढते ढूंढते वो मम्मा पापा के बेडरूम में चली गई और जब वहां पे उसने देखा कि एक टेबल पे बहुत ही अच्छे फ्रेश वो पड़े हुए हैं, पेपर्स पड़े होते, तो वो सोचते अगर मैं इनको फाड़ के फिल कर दूंगी तो अच्छे से ये बन जाएगा। तो वो ऐसे ही करती है, वो पेपर्स को ले जाती है एंड उस पेपर्स को फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके वो उससे फिल कर देती है एंड चौथी साइड भी सिल देती है वो कुशन
रेडी कर देती है। लेकिन उस शाम को घर में बहुत हंगामा होता है। क्यों? वो अपने बेडरूम से सुनती है कि पापा जोर जोर से बोल रहे हैं कि मेरे पेपर्स पड़े हुए थे यहाँ पे, किसी ने देखे हैं, मेरी स्पीच थी, मुझे कल ये स्पीच प्रेजेंट करनी थी, वो पेपर कहाँ गए। तो वो बहुत ज्यादा घर में शोर हो रहा था, मम्मा हर जगह उन पेपर्स को ढूंढ रही थी, दादी भी ढूंढ रही थी, और पापा इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे, इधर उधर गुस्से में चक्कर लगा रहे थे। तो उसकी मम्मा आती है केजिया के रूम में, वो कहती है केजिया वैसे तो तुमने नहीं देखा होगा, पर क्या तुमने हमारे टेबल पे कोई पेपर्स देखे? तो केजिया बता देती है कि हाँ मैंने वहां पे कुछ पेपर्स पढ़े थे, उनको फाड़ के मैंने इसके अंदर स्टफ किया। और जैसे ही वो ये चीज बोलती है उसकी मम्मा को बहुत गुस्सा आता है, क्या क्या कह रही हो तुम, नीचे आओ। और उसी टाइम उसको पापा के सामने ले जाते, उससे पापा पूछते तुमने वो पेपर्स लिए हैं? तो वो बोलती है, वो बहुत डरी हुई होती है लेकिन वो झूठ नहीं बोलती, वो सच सच बता रही थी कि हाँ मैंने वो पेपर्स लिए हैं, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि उसने क्यों लिए, क्वेश्चन बनाना था आपके लिए के लिए ये वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करते। और उस टाइम वो पापा बहुत गुस्से में होते हैं, तो मम्मा कहते हैं इसको इसके रूम में भेज दो अभी के अभी। तो वो उसके रूम में भेज देती है, बट वो रो ही जाती है। और फिर कुछ देर बाद उसके पापा आते हैं और उनके हाथ में इतना बड़ा रूलर होता है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, वो बेड में अपने आप को पीछे पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं, बट उसके पापा और गुस्से में बोलते हैं कि अभी इसी वक्त सामने और अपना हाथ आगे करो, ताकि मैं अभी तुम्हें सबक सिखाऊंगा, ताकि आगे से तुम ऐसी कोई गलती ना करो। तो वो बताना चाह रही थी कि मैंने क्या किया, लेकिन वो इतना स्टैमर कर रही थी, इतना डरी हुई थी कि वो कुछ भी नहीं बोल पा रही। लेकिन फिर भी उसने लास्ट में बोल दिया, वो मैं आपके लिए सरप्राइज के लिए ये कर रही थी, इस तरह से बोलती है, बट उसके पापा कुछ नहीं सुनते उस टाइम, और उसे जोर से उसके हाथ पे रूलर मार देते हैं। और फिर वो रोने लग जाती है, उसके पापा चले जाते हैं और वो बेड में बहुत जोर जोर से रोने लगती है। फिर कुछ घंटे बाद उसकी दादी आती है, वो उसको शॉल ओढ़ती है और उसको अपनी गोदी में लेके बैठ जाती है। तो वो अपनी दादी को बोलती है कि भगवान जी ने पापा बनाए ही क्यों है, पापा कितने बेकार है, ऐसे। तो उसको बहुत बुरा लगता है। दादी बोलती है तुम टेंशन मत लो, तुम रात को सो जाओ, सुबह तक तुम सब भूल जाओगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सुबह तक कुछ नहीं भूलती, उसे सब याद है कि उसके पापा कितने गुस्से वाले, कितने डरावने से हैं। तो वो कहती है कि मैं अपने पापा के बारे में जब सोचती भी हूँ ना, उनके इतने बड़े बड़े हाथ है, उनका इतना बड़ा मुंह है, और जब वो यॉन करते हैं तो वो मुंह और ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कोई दानव को इमेजिन कर रही हूँ। तो अपने पापा से इतना ज्यादा डरती है। फिर वो देखती है कि उनके घर के नेबर में ही साथ में एक अंकल रहते हैं जिसका नाम है मैकडॉनल्ड। तो मैकडॉनल्ड अंकल के 5 बच्चे हैं। तो वो उन्हें देखती है कि जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनके शोल्डर पे बैठा है, उनकी 2 बेटियां हैं वो उनके हैंड्स के साथ लटकी हुई हैं और खेल रहे हैं। वो देखती है कि वो कितना खुशी खुशी एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो वो सोचती है कि शायद सारे फादर इतने बुरे नहीं होते, कुछ फादर अच्छे भी होते, भगवान ने अलग अलग तरह के फादर बनाए हुए हैं। तो वो उनको देख के ऐसे सोचती है, एंड देन एक बार सडनली ऐसा होता है कि उसकी मम्मा की तबीयत खराब हो जाती है, तो दादी हॉस्पिटल चली जाती है और जो बेबी है, लिटिल गर्ल है, उसको कुक के पास छोड़ जाती है। पूरा दिन तो आराम से निकल गया, लेकिन जैसे ही रात होती है और वो कुक उसको बेड पे करती है कि अब तुम सो जाओ, तो वो बोलते है कि मैं अकेले तो सो नहीं सकती, अगर मुझे कोई बुरा सपना आया तो मैं क्या करूंगी। पर कुकू से बोलते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ, तुम्हारे पापा भी सोएंगे तो उनको डिस्टर्ब मत करना। तो वो उस टाइम सो जाती है, लेकिन वही होता है, उसको एक बुरा सा सपना आता है, उसको एक ब्रचर दिखता है जो उसके पीछे नाइफ और रोप लेके पड़ा होता है। तो वो सपने में बोलती है नहीं नहीं मुझे मत मारो, नाइफ छोड़ दो, दादी दादी, और ऐसे करके एकदम से वो डर के उठ जाती है। और जब वो उठती है तो देखती है उस बेड के कॉर्नर पे उसके पापा बैठे होते हैं, उनके हाथ में कैंडल होती है, बट वो अपनी नींद में ही बोल रही होती है नाइफ से मुझे मत मारो, दादी कहाँ है, दादी कहाँ है। तो जैसे ही उसके पापा उठते हैं तो वो बोलते हैं क्या हुआ, तुमने कोई बुरा सपना देखा है क्या? तो वो उस टाइम उसको जगाते हैं और वो कहते हैं मुझे दादी के पास जाना है, ये वो करके। तो वो उसको अपनी गोदी में लेते हैं और अपने रूम में ले आते हैं, बेड पे जो भी न्यूज़पेपर्स पड़े होते हैं, सिगार पड़े होते हैं, वो सब वो साइड करके उसे बेड पे आराम से लेटा देते हैं और उसके साथ आके लेट जाते हैं और कहते हैं तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ पे। और फिर वो सोने की कोशिश करती है, फिर से लेट जाती है, और अब वो देखती है उसके पापा तो कितने जाइंट है, तो उनकी आर्म्स में जाके अपने आप को टाइटली
छुपा लेती है और फिर धीरे धीरे अब वहां पे वो सोचने लगती है कि यहाँ पे पापा तो है ही, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और फिर वो सब चीजें सोचती है कि जैसे मैकडोनल्ड अंकल है वो, उनके पास तो टाइम होता है तो वो बच्चों के साथ खेलती है, मेरे पापा को कितना काम होता है तो वो हर वक्त तो मेरे साथ नहीं खेल सकते, और जब मेरे को रूलर मारा था तो मैंने उनके कितने इंपॉर्टेंट पेजेस खराब कर दिए थे, इसलिए उन्होंने मुझे पनिशमेंट दी थी। और वो धीरे धीरे सोचती है कि उसके पापा इतने बुरे भी नहीं है, और फिर एकदम से वो उठ जाती है, उठ के बैठ जाती है। तो उसके फादर पूछते हैं, अरे क्या हुआ, फिर से तुमने कोई बुरा सपना देखा? तो वो बोलती है, नहीं नहीं वो मैं आपके चेस्ट के ऊपर लेटी हुई थी तो आपका हार्ट बीट है ना वो मुझे सुनाई देती थी। तो वो बोलती है, आपका दिल कितना बड़ा है। और उसके बाद फिर वो सो जाती है आराम से। सो ये थी हमारी पूरी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और स्टोरी समझ आ गई होगी। अब इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आप आराम से टिप कर पाओगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद सम न्यू स्टोरी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।